जैसे इसमें जो जुड़ा हुआ है, जैसे मैं चेम्बर में दिखाऊं, तो ये जो जुड़ा हुआ है ये डायरेक्ट मोटर से अटैच है, लेकिन इसमें मैं दिखाऊं आपको तो इसमें डायरेक्ट मोटर से अटैच नहीं है, ये जो है फाइन बेल्ट के माध्यम से चलती है, जिससे क्या करती है ये आरपीएम को क्रिएट करके अपने हिसाब से आप आरपीएम बढ़ा घटा कर सकते हैं। तो एसएस बॉडी से जो है काफी मजबूत मैं मानता हूँ इस एमएस बॉडी को, इसकी चेम्बर क्वालिटी भी जो है काफी हेवी सेगमेंट में इसे बनाया गया है। तो नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीटेटेक में। आटा चक्की के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो जो है बनाया है, पल्वराइजर के बारे में मैं अनेकों जानकारी आप लोगों को दिया है, और आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर एसएस पल्वराइजर में और एमएस पल्वराइजर में क्या फर्क है, क्या प्रोडक्शन में फर्क होता है या चलने में फर्क होता है, क्या फर्क है, पूरे डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बताऊंगा। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। ये आपके सामने अभी आप देख पा रहे होंगे वीडियो स्क्रीन के माध्यम से, इस पे 5 HP का जो है ये एसएस पल्वराइजर है। एसएस पल्वराइजर कहा जाए तो ये 2-in-1 मल्टीपर्पज पल्वराइजर है, जो कि अनाज के लिए भी हॉपर दिया गया है और उसके बाद मसाला के लिए भी हॉपर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको 6 जाली अलग अलग प्रकार का, मतलब कि अलग अलग आइटम को पीसने के लिए अलग अलग प्रकार की जो है जाली इसमें दिया गया है। और पूरी मशीन की बात की जाए तो मशीन आप देख पा रहे हैं, ये एक मशीन का मॉडल है, मैं इसका चेम्बर भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि चेम्बर किस क्वालिटी का है। ये देख सकते हैं काफी हेवी क्वालिटी में जो है इसका चेम्बर लगा हुआ है, और मैं इसके बाद आपको एमएस बॉडी भी दिखाऊंगा कि एमएस बॉडी के जो 5 HP का पल्वराइजर है इन दोनों में अंतर क्या है। पैनल की बात की जाए तो पैनल आपको इसमें भी मिल जाता है, जो पैनल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ वोल्ट मीटर देख सकते हैं, एम्पियर मीटर देख सकते हैं, ये आपका ऑन ऑफ का बटन हो गया। ये अच्छी क्वालिटी का जो है ये पैनल है, अगर आप पल्वराइजर मशीन लगाए हुए हैं, अगर पैनल की आवश्यकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हूँ जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, और कुरियर के थ्रू आप पैनल इंडिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। अब मैं आगे बात करूं कि इसमें जो मोटर लगी हुई है तो इसी के अंदर नीचे मोटर लगी हुई है 5 HP की। अब इस मशीन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1 नंबर जाली से आप 30 से 35 KG तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, 30 KG से कम भी प्रोडक्शन आ सकता है, क्योंकि वो आपके बिजली कैपेसिटी पर निर्भर करता है। अब मैं बता दूं कि ये मशीन का जो प्राइस है, ये मशीन का प्राइस आपको 38,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक की रेंज में, अलग अलग रेंज में, मतलब कि जैसे में इसमें भी मॉडल है, जैसे कि ये 5 HP का ये पल्वराइजर है और 5 HP का कुछ इस टाइप का आता है, तो इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, तो अलग अलग क्वालिटी का आता है, मतलब 4-5 हज़ार का डिफरेंस होता है। तो ये जो है पल्वराइजर एसएस बॉडी में है। अब एमएस बॉडी में क्या है, एमएस बॉडी का मैं फीचर बताता हूँ। देखिए ये एमएस बॉडी में जो है ये पल्वराइजर है। अब मैं बता दूं वो एसएस बॉडी के अपेक्षा सबसे पहले तो इसका हॉपर जो है ये काफी मजबूत हॉपर है। हॉपर का साइज का बात किया जाए तो उसके अपेक्षा इसका साइज जो है वो कुछ ज्यादा ही गेहूं रखने का कैपेसिटी है। और उसके बाद इसका चेम्बर, ये डबल चेम्बर में है, हालांकि डबल चेम्बर एसएस में भी आता है, लेकिन जितना मजबूत एमएस बॉडी का चेम्बर है उतना मजबूत उसमें नहीं आता है। इसका चेम्बर देख सकते हैं आप, काफी हेवी है, दोनों ही चेम्बर जो है काफी हेवी क्वालिटी में इसका बनाया गया है, और इसका जो नीचे का फीचर है वो काफी बेस्ट और सेगमेंट में इसका जो फीचर दिया गया है, सबसे बड़ा जो इसमें फीचर दिया गया है वो है कि ये जरूरी नहीं है कि 5 HP का ही मोटर इस पे लगे, इस पे 7.5 HP का भी मोटर लग सकता है, 3 फेज का, सिंगल फेज का, इस पे 2 HP का भी मोटर लग सकता है, 3 HP का भी मोटर लग सकता है, यानी कि कहा जाए तो एक तरह से ये ऑल इन वन मशीन है। और इस मशीन का प्राइस बिना मोटर का जो है
वो 35 से 40 हजार के रेंज में मिल जाता है, और मोटर के साथ 5 HP के मोटर लगा के इस मशीन का प्राइस जो है वो 50 हजार रुपए का जो है आता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अंदाजा मिल चुका है इस वीडियो के माध्यम से। दोनों ही मशीनों का चेंबर मैं दिखाया हूँ, दोनों ही मशीनों को मैं बताया हूँ, और वीडियो स्क्रीन पे मैं अभी जो आप चलता हुआ वीडियो देख रहे हैं वो इसी मशीन का है। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्शन भी देता है SS के मामले में, और अगर आप लोग बिजनेस करने के लिए अगर इस टाइप का मशीन ले रहे हैं तो आपके लिए जो है मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी टाइप का मशीन लीजिए, तो आपके लिए जो है लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसे आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं इसमें अगर मोटर खराब हो गई आपका, या फिर आपका मन बना कि नहीं अब 5 HP हटा के हम इस पर 7.5 HP लगाते हैं, या 5 HP हटा कर हम इस पर जो है 2 HP का मोटर लगाते हैं, तो उस स्थिति में जो है आपका ये काम इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें जो मोटर लगा हुआ है, जिस प्रकार का मोटर लगा हुआ है, उसी प्रकार के मोटर से आप इसमें काम कर सकते हैं। बिजली की बात की जाए तो उससे इससे कुछ कम ही बिजली में आप इसको चला सकते हैं। मतलब ये क्योंकि इसका जो है RPM सेम होता है, RPM जैसे इसमें जो जुड़ा हुआ है, जैसे मैं चेंबर में दिखाऊं तो ये जो जुड़ा हुआ है ये डायरेक्ट मोटर से अटैच है, लेकिन इसमें मैं दिखाऊं आपको तो इसमें डायरेक्ट मोटर से अटैच नहीं है, ये जो है फाइन बेल्ट के माध्यम से चलती है, जिससे क्या करती है ये RPM को क्रिएट करके अपने हिसाब से आप RPM बढ़ा घटा कर सकते हैं पुल्ली को कम करके। और रही बात इसमें मजबूती की, तो SS बॉडी से जो है काफी मजबूत मैं मानता हूँ इस MS बॉडी को। इसकी चेंबर क्वालिटी भी जो है काफी हेवी सेगमेंट में इसे बनाया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की जानकारी, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो गया है कि MS बॉडी और SS बॉडी में क्या फर्क है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा मशीन लेना चाहते हैं, और मशीन लेने के लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं और विजिट करके जो है जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ 10 HP का भी आपको 20 HP का भी हर एक सेगमेंट में आपको यहाँ पे जो है पल्वराइजर मशीन मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ लघु उद्योग की वो सभी मशीनें मिल जाएगी जिससे आप जो है अपने बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं और रोजगार को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। मैं और भी मशीन दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको अगरबत्ती मशीन, ऑल इन वन मशीन, और नीचे इसका वर्कशॉप है जहाँ पे आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे मशीनों को जो है बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर वो मशीन जो आपके आवश्यकता का चीज़ है, बिजनेस को स्टार्ट करने का जो सेगमेंट है, वो हर चीज़ आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ आप ज़रूर विजिट कीजिए, मैं कंपनी का नाम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप विजिट करके सारा जानकारी ले लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।